सर मैं कमें आओ आओ जैन आओ। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे पास आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तो प्यार है आपका, वरना आप ऑफिस डिकोरम के हिसाब से तो आप यहाँ पे बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय। आप हमारा जो भी रिश्ता है वो तो घर पे है ना। तुम्हारे इसी हुस्न अखलाक का तो मैं गर्वीदा हूं। तुम्हें पता है मैं बड़ा स्टेटस कॉन्शियस आदमी था, और जब किंजा ने तुम्हारे साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं ही था जिसने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। लेकिन तुम्हारा इखलाक देखकर मुझे अपने असूल बदलने पड़े, और आज मैं फखर से ये सबको बताता हूं कि तुम मेरे दामाद। पापा मेरे अपने पेरेंट्स तो हैं नहीं, आप और मामा ही मेरे लिए मेरे पेरेंट्स। जीते रहो, बहुत खुशी होती है तुम्हें देखकर। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बड़ी अच्छी तरबियत की है। अरे तुम खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। असल में पापा, जिन मुश्किल हालात में अबू ने मेरी तरबियत की है ना, आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की दुआओं और मेहनत की वजह से। लेकिन आज जब मेरा वक्त आया कि मैं उनकी खिदमत कर सकता, उनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे छोड़कर चले गए। तुम ब्रेव लड़के हो, तुम्हें देखकर एहसास होता है कि काश मेरा बेटा नौमान भी तुम जैसा होता। तुम्हारे माँ बाप लकी थे, उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। नहीं पापा, नुमान भी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ उसकी अपब्रिंगिंग उतने मुश्किल हालात में नहीं हुई जितनी मेरी हुई है। वैसे भी आपका बेटा है तो थोड़ा सा बिगड़ना तो बनता है उसका। भाई तुम सामने वाले को चुप कराना खूब जानते हो, लेकिन ये बताओ कि 5 बज रहे हैं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? पापा एक्चुअली ये फाइल थी।